नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स में। तो भाई व्लॉग का कंटेंट जब मिलता है ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि जितना कंटेंट बना सकता हूँ बनाता रहूँगा भाई, मतलब ड्रॉप नहीं करना, जितना मौका मिल जाए बनाते रहो। तो वेलकम है आपका होली व्लॉग में। और लाइट इतनी तेज़ हो रही ना भाई, सीधे आँखों में पड़ रही मेरे को ये। मेरे तो बहुत ज़्यादा पड़ी। फिलहाल आप होली का पार्ट देखो जितना मैं होली का बना सकता हूँ। जा तो हम हॉन्टेड शूट पे रहे हैं, बट ये है कि बीच में जो होली का दिन है खटीमा आए हुए हैं, तो जो कंटेंट मिल सकता है हम वो बनाएंगे भाई। अभी हमने खटीमा का ब्लॉग बनाया था, तो एक घर का ब्लॉग बनाया जिसमें आध्यात्मिक की बातें बताई आपको मैंने। थोड़ा लेट आ रहे होंगे ब्लॉग, बट जो भी है जैसे भी है, लेकिन जो है उसके बाद अब ब्लॉग बना रहे हैं हम होली का। थोड़ा सा पार्ट हम दिखाएंगे यहाँ। ये राणाओं की होली थी, ये राणाओं की होली। तो ये राणा एक जाति है हमारे यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा राणा जाति का। तो इनकी होली जो होती है, इसके बाद गेहूं पक जाता है, तो होली में दहन करते हैं, गेहूं का अर्पण करते हैं एक तरह से, है ना। तो ये यहाँ का एक होली में नियम होता है, होली का दहन में जो है हम गेहूं अर्पण करते हैं कि हमारा गेहूं की फसल पूरी हो गई है। तो फिलहाल अब चलते हैं मार्केट की तरफ, अगर मार्केट का टाइम मिलेगा दिखेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे उसको भी। फिलहाल अभी चल रहे हैं मार्केट की तरफ और मार्केट वाली होली कवर करने की कोशिश करते हैं। जगह जगह गांव-गांव में होली बन रही है, देख सकते हो भाई, हर जगह छोटे मोटे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। देखो ये तो खटीमा चौराहे पहुंच चुके हैं भाई। और देखो हमारे साथ कौन कौन है। ए मिस्टर जगत भंडारी हैं। हेलो जगत भंडारी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। और पीछे बैठे हैं देखो, ये मिस्टर मोहित सरदार देखो, और मिस्टर पीयूष जोशी, इसने देखो स्ट्रेटनिंग करा रखी है भाई, अभी पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था आपको मैंने। और एक हमारा रोहित राणा लेने गया है कुछ स्नैक्स, जिससे कि हम अपना हॉन्टेड लोकेशन पे भी जाएंगे। बट ये है कि हाँ, होली खटीमा के चौराहे में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत स्टार्ट हुई नहीं है अभी, लेकिन टाइम उसका लेट है, बट जैसी बनी है वो दिखा देते हैं आपको भाई। ये है हमारा लास्ट मेंबर रोहित राणा, बहुत होली खेल के आया भाई ये। और आप देखो दिखाते हैं खटीमा चौराहे की होली, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। है तो देखिए, ये है होली। अभी हुई नहीं है स्टार्ट, दिखा दे। दिखा दिया मैंने भाई, दिखा तो दिया, और क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अभी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखो यहाँ रंग वंग भी तैयार है, रेडी सब कुछ, प्रिपरेशन पूरी रेडी है। बट ये है कि अभी स्टार्ट नहीं हुई होली, टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, तब तक शायद हम वीडियो बना के भी आ जाएं, क्या मालूम, डिपेंड करता है। बट ये है, अब जा रहे हैं कहाँ को, हॉन्टेड शूट पे, लाल कोठी से भी आगे वाली कोठी, जिला चंपावत उधम सिंहगढ़ बॉर्डर है। ये कौन सी लोकेशन थी, ये नई लोकेशन आई है, जिला चंपावत, जिला उधम सिंह नगर बॉर्डर, दोनों जिला चंपावत उधम सिंह नगर, जिला चंपावत जिला उधम सिंह नगर, दो बॉर्डर के बीच में लोकेशन है, उसको दिखा रहे हैं। तो भैया अभी हम जा रहे हैं, फिलहाल ब्लॉगिंग हमारी रात भर चालू रहेगी, ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग हम हॉन्टेड में बंद कर देंगे, बीच बीच में ब्लॉगिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग पूरा रहेगा हॉन्टेड में हम कैसे जाते हैं। आज हम पांच लोग जा रहे हैं, थोड़ा मस्ती के मूड से भी जा रहे हैं, थोड़ा घूमने फिरने के मूड से भी जा रहे हैं, और साथ साथ एक होली का पर्व भी है। तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता था, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि होली के दिन जब होलिका जलती है, उस दिन ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो बहुत तगड़ी एक्टिवेट होती हैं। जितने भी तांत्रिक बाबा वगैरह ये होते हैं, उस टाइम पे सिद्धि के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, तो इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई होती है। हम पांच लोग जा रहे हैं, हो सकता है दो पीछे रुके हैं और तीन आगे जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे कि आज नेगेटिव एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या नहीं होता है। तो फिलहाल ये बंदा देखो यहाँ पे डरा हुआ है बंदा, देखो ये देखो, तो गाड़ी पर रहूंगा भैया, देखो कहाँ पर आया बंदा, देखो कितना शिवरिंग हो रही है, देखो उस बंदे को गाड़ी पर रहूंगा, गाड़ी बुखार तो नहीं आ रहा है, नहीं बुखार नहीं आया, बाद में आ जाएगा, बताया सीटें मोल रखी है, दे देने भैया। तो भैया ऐसा ही है सीन, ठीक है,
तो हम चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, फिर उसके बाद घुसेंगे सीधे लोकेशन पे। तो भाई जंगल वाली रोड में एंट्री हमारी हो गई है, राइट साइड में हमारा जंगल स्टार्ट है। ये क्या हुआ, ये क्या होता है, ये वाइट वाइट सी क्यों होती स्क्रीन एकदम से, कुछ हुआ यार भाई? जंगल की रोड में हमारी एंट्री हुई और वाइट स्क्रीन हमारी हो गई थी बीच में एकदम से, एक्टिविटी चालू हो गई। और अब हम टनल की साइड जा रहे हैं जहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ कई बार मतलब जो हमारे साथ में एविडेंस आ चुके हैं, तो कोशिश आज भी है कि आज कुछ एविडेंस कैप्चर करें। और होली का दिन है तो मेरे को सबसे अच्छी लोकेशन यही नज़र आई कवर करने के लिए। और यहाँ पे वैसे खतरा तो जानवर का भी है, बट कोई बात नहीं, रिस्क का नाम सीखी बिस्ट हो गया आजकल। और जगत पंडित भी हो गया ना, नहीं नहीं रिस्क तो बहुत लेते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो भाई चल रिस्की लोकेशन पे गुजरे हैं आज की रात भूतों भाई के साथ। सीन हो गया हमारे साथ में बहुत तगड़ा वाला आज की रात भूतों के साथ। राहुल से पूछ के रोशनी का गोला देखा हमने बहुत तगड़ा वाला, हमारे सामने से गया ऊपर से पहाड़ वो उसमें पेड़ पेड़ की सीध में। अरे उल्का पिंड होगा, तुमने भयंकर देखा उल्का पिंड होगा कोई भयंकर वो। तो भाई पहुंचते टनल पे पहले ये रास्ता ही चलता रहेगा, और यहाँ हाथी भी हैं काफी सारे, टाइगर भी हैं और लेपर्ड भी हैं। फिलहाल तो हाथी तो माइग्रेट नहीं करता है, होगा तो एक जगह पे होगा, फिलहाल देखते हैं क्या मिलता नहीं क्या मिलता। भाई बात सुन, हॉन्टेड लोकेशन है, बात सुन, बात काट रहा हूँ। चक्रपुर जंगल से हाथी पार जंगल में आते हैं, हमें तो रास्ते में नदी मिलती है, कैसे पार आते हैं और पार से नदी जाते हैं जो भाई नदी के इस साइड है हम लोग, और नदी के उस पार हाथी आ चुका है। और अगर आप आवाज़ सुन रहे हो ढम 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 बजा रहे हैं भगाने के लिए, लेकिन वो भागेंगे नहीं, मुझे लग रहा है इसी साइड आएंगे उनको नदी क्रॉस करने। 15 आते हैं वो होते दौड़ा हो 15 आते हैं, 15 पूरा झुंडा था 15 होते ना, मैं कहूंगा वो चक्रपुर जंगल में आ गए हम लोग। ये हम जंगल के पास हैं तो उस साइड से हाथी शायद इस साइड को आ रहे हों या क्या सीन है पता नहीं। ये देखो अरे बना तक नहीं है हाथी आए तो यहाँ बनाएगा तुम्हें, मेरा वीडियो बनाओ। चलो ऐसा ना, मुझे हमेशा सबने बोला, मुझे कई बार बोला कि हाथी 15 दिन यहाँ रहने आता है लेकिन यहाँ कोई पुलिया नहीं है, हाथी कैसे पार करता है। आज देखो आपको दिखा रहा, देखो गया वो, देखो वो जा रहे हैं, वो दिखेगा नहीं इसमें, लेकिन नदी पार करेंगे हाथी पूरा झुंड यहाँ से पार जाएगा सीधे धमकी है। बग्गा चौवन ऐसे घूमते 15-20 दिन वहाँ रहता है, पूरा झुंड आ गया। 16-17 का झुंड बग्गा चौवन नहीं जाता जंगल, बग्गा चौवन के जंगल में जो अड़े जंगल है ना उसमें जाता है, सूरी जंगल है, सूरी सुराई नहीं जाता हाथी। हाँ देखो पूरा देखो गया, पटाखे ले जाएगा अभी वो बम लाया हुआ। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ अभी जस्ट बात हुई, मैं कह रहा था कि यार पानी तो कैसे पार करते हैं, पानी से बाहर निकल जाते हैं यहाँ कोई पुलिया तो नहीं, एक वही पुलिया कोई साइफन है, पार कैसे करते हैं 15-20। अभी हम इसी बारे में बात करते हैं गाड़ी में बैठ के, और हमने मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी और पूरा गाँव चला। देखो अगर वो भागे नहीं है तो हमें क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे अभी। मेरे को पहले ऐसा लगा था होली की सेलिब्रेशन चल रहा है लेकिन ये धुन में नहीं बजा रहे धुन नहीं आ रही कोई। हम जहाँ पे खड़े ना हम घातक में खड़े हैं, हाथी अगर आएगा इस पार से कैसे पार करे तो आप देखते रहना, हमें साइलेंट होना पड़ेगा। भाई हाथी टनल के नीचे से भी पार करते हैं? नहीं करते हैं। टनल नीचे कैसे पार करेंगे यार, वजनदार है। अरे बहुत बड़ा टनल है नीचे जाके, एक बार देख तो ले। कौन सा वाला? ये टनल जो है जिस पे हम खड़े हैं ना, यहाँ से हाथी पार करते हैं। हो नहीं सकता, होता है, लोगों ने बताया है मुझे। भाई जाते होंगे दादा, रास्ता नहीं भूलता ना हाथी। टर्मिनल कहाँ पे ये है, कहाँ पे कहाँ पे वहाँ पर। हाँ इधर देखे कितना बड़ा टनल है, कितना बड़ा टनल है, देखे देख कितना चौड़ा टनल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ा टनल है। देखो हाथी ये देखिए कितना 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 चौड़ा है। और अगर निकलेंगे तो अभी दिख जाएंगे हमको, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ तक उस साइड में भाग रहे हैं लोग। भैया ये हाथी को भगाते भगाते ये लोग उधर उस साइड को ले गए मेरे ख्याल से, और वहाँ भी लोग टॉर्च मारना स्टार्ट कर दिया है। क्या सीन है क्या नहीं है अभी हम वेट करते हैं। अगर इस साइड को आएंगे तो हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे, दोनों मुझे एक काम तो करना पड़ेगा। हाथी के साथ आपका सामना नहीं कर सकते, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं कि आप हाथी से ऐसा कोई मैं ज्ञान दूं कि भाई तुम हाथी के सामने खड़े हो तो चुपचाप से खड़े रहना। जय बजरंगबली,
हम नहीं कर पाएंगे, गजराज का सामना हमने, गजराज का सामना करना नामुमकिन है। भागेंगे हम लोग, भागेंगे तो वहाँ भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई आशंका लगेगी तो भाग जाएंगे। फाइनली भाई हॉन्टेड शूट कंप्लीट करके हम आ गए गाड़ी के पास में, और वहाँ से कुछ अलग अलग आवाज़ें आ रही है लोगों की चिल्लाने की, अभी तक आ रही हैं। हम ये बच गए कि हाथी नहीं आया, लेकिन सीन हमारे साथ टनल में हॉन्टेड थोड़ा बहुत हो गया था। बहुत हाई थी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी था सीन, ठीक है, बहुत हाई इम्पैक्ट था नेगेटिव एनर्जीज़ का, लेकिन जो भी है सीन अब आपके सामने ही है। अभी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, अभी हम बैठे हैं पुलिया के पास में। नीचे देखो, नीचे नदी है, फायरिंग कर रहे हैं भगाने के लिए, है ना। हाँ, गया नहीं है, क्यों जाएगा, गया नहीं है हाथी, उनका जो रास्ता था वो रास्ते से भटका रहे हैं उसको, तो यहीं घूम रहा है वो, है ना, एक्चुअली रास्ता का वही है, जिस रास्ते में आएगा वो रास्ता छोड़ेगा थोड़ी यार भाई। तो भाई जो भी है, अब हाथी इस साइड तो आया नहीं, वरना हम कवर करते कैमरे में, बट ये है कि हाँ जो भी था आपके सामने सीन है। अभी हम चल रहे हैं आज घर को, चलते हैं अपना सोते हैं, आराम करते हैं। कल होली है, कल होली मनानी है, आज होली का दहन था। कितना टाइम हो गया, 12:30, 12:30 हो चुका है, पौना घंटा हम बिता के आए अंदर, और फिलहाल देखते हैं। अभी खटी मारी होली जली होगी ना, वो जल्दी जल रही होगी, उसको कवर करते हैं ना। भाई देखो यहाँ हल्ला मचा रहे लोग, रास्ता उन्हीं का, लोग बस गए, कोई नहीं, हम निकलते हैं, क्योंकि अब रिस्क लेके क्या करना, खाली बैठ के फायदा क्या, क्यों निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए, खाली पली लकड़ी क्यों लेनी है फालतू में। चलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं फिर चलते हैं आगे। तो भैया शूट कंप्लीट हो गया और हम यहाँ से हम निकल रहे हैं। हाथी हमको नहीं मिला है फिलहाल, वो उसी साइड, उसको भगाए जा रहे हैं बार बार, वो बार बार अपने रास्ते में वापस आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको रोकने का, वो आएगा तो है ही, है ना, वो रुकेगा तो है नहीं, उसका रास्ता है। तो फिलहाल हम निकलते हैं रास्ते से, क्योंकि यहाँ वेट करना बेकार है, और थोड़ा सा हम इस नाइट ड्राइव को थोड़ा बढ़ाते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे और चल के देखते हैं, कुछ जानवर वानवर मिलते हैं तो बात अलग है, अगर मिल गए तो शूट करेंगे ज़रूर, मतलब वीडियो में कैप्चर करेंगे ज़रूर। भाई ये गाय डरी हुई है बहुत ज़्यादा, रोड पे आ गई जंगल से, मेरे को लग रहा है जंगल में कुछ होना। देखिए तुम देखिए, लगाओ यार टॉर्च, लगाओ शीशे में, मत लगा, ये देखो वो जंगल की तरफ, जंगल की तरफ नहीं जा रही, वो आगे आगे भाग रही है। ये प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, नहीं 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 है, हो सकता है, पेट से पता लगा उसको, अब भाग रही हो, मेरे को लग रहा है जंगल में कुछ था इसलिए बाहर आ गई है। और अभी उस पार से भी आवाज आई है कुछ, डरी हुई वजह है। देखो जो रोड में जाने तो साढ़े देता है, हाँ ये जा नहीं रही, रोड पे चल रही है, इसमें फील हुआ ना कि जब ये जिस साइड ये सेफ है जंगल, उस साइड घुसेगी अंदर, हाँ इस साइड पानी सब सेफ, कहाँ से है बेचारी यार। आवाज सुन, टॉर्च लगा के देख रहे हैं भाई, पर जानवर इतने में हट जाता है, ये हट नहीं रही है। डरी हुई थी भाई ये, बहुत डरी है, लेकिन ये रोड में सेफ है फिलहाल, अटैक तो घर का भी कर सकता है, वो तो है ही, लेकिन फिर भी हम इसको इसको हम तो कुछ नहीं, पीछे 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 होगा, हम आगे को तो ले ही आएगा कम से कम इसको, है ना, वो पीछे पे देख रही हूं उसी साइड को, हाँ उसको इसी साइड आंधा अंधेरा था इसलिए नहीं आ पा रही थी, अभी वो सेफ इलाके में आ गई है। हैं
पटाके वो इसीलिए बज रहे हैं हाथी के लिए। चलो भाई वो देखो हिरण क्या है पीछे पीछे वो है वो देखो हिरण हाथ तो हटा नीचे यार वो तीन है वो देखो जो दौड़ रहे झुंड है झुंड है देखो बच्चे हैं छोटे छोटे शीशे का मत मारो ना रुक गए वहाँ बड़े जान दिखे पीछे दिख गए कोई नहीं जान दो आगे बढ़ते हैं भाई जंगल भी पूरा एक्टिव हो रखा भाई फुल एक्टिव जंगल है फुल एक्टिव जंगल इस टाइम पे क्या मालूम टाइगर भी दिखी जाए शायद वो देखो दिख गया भाई को तीन चार पांच छह सात आठ पूरा झुंड है अरे आप मेरे को नहीं दिखेगा ना कैमरे में तेरा आधार है छोड़ रहने दे यार परेशान मत कर लाइट लगा के आ जाओ भाई आ जाओ बैठ जाओ भाई गाड़ी बैठो ये देखो भाई क्या गजब की आग हो रखी है ये सब लोग देखो गेहूं के वो तन के आगे लेके खड़े हुए हैं बहुत बढ़िया होली बहुत बढ़िया होली पूरी हो चुकी है लोग रंग लगा रहे हैं होली का दहन हो चुका है और हम चल रहे हैं अभी अपने बंदों को छोड़ने के लिए वापस जाके फिर दिखाएंगे यहाँ का एरिया क्यों कहाँ भाई। तो फाइनली इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया भाई व्लॉग को एंड करते हैं और चलते हैं घर को सोते हैं आराम करते हैं और बाकी एडिटिंग भी करनी है तो जितनी जल्दी एडिट करके डाल सकता हूँ डालूँगा इसको। देखो यहाँ पूरी सेफ्टी के साथ में होली बनाई गई है होली वहाँ जल रही है और सामने देखो फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है ये है होली का दहन बहुत शानदार और देखिए पूरी पुलिस पुलिस खड़ी हुई है और फायर ब्रिगेड सामने खड़ी हुई है पूरी सेफ्टी के साथ में होली का दहन यहाँ पे हुआ है और ब्लॉग को एंड करें भाई हैं ब्लॉग को एंड करते हैं चलते हैं घर को सोते हैं थोड़ी देर फिर एडिटिंग करेंगे सुबह होली खेलनी है तो चलो चलते हैं और बंद करते हैं वीडियो को तब तक के लिए हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली और गुड नाइट एंड जय हिंद जय भारत।